है गाइज़ वेलकम बैक टू आर चैनल ब्लॉग्स विद पम्मी आज आपसे गोभी के पराठे और आम के रस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ मैं गर्मियाँ आ गई हैं तो आम का रस तो बनता ही है गोभी को अच्छे से वॉश करके यहाँ धूप आती है एक विंडो से तो इस्टैनर में डाल के रख दिया है ये देखिए धूप आ ही रही है और इसका पानी भी सारा ना नीचे ड्रेन आउट हो जाएगा एक इसमें और बिना वॉश किए तो बना नहीं सकते यहाँ पर मैंने चार प्याज कट कर लिए हैं बारीक बारीक पाँच छः हरी मिर्ची तीखी वाली और लहसुन की करियाँ ग्रेट कर ली हैं दस बारह छोटी छोटी थी छः बोल सकते हैं अगर बड़ी हो तो ये फ़्रेश धनिया है बहुत सारा ये देखिए सारा पानी पानी ड्रेन आउट हो चुका है तो अभी इसे मैं ग्रेट कर रही हूँ इस तरीके से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए अगर पानी रहा ना तो फिर पराठे फटने का डर रहता है बट इसको ग्रेट करने के बाद भी ना जो इसमें पानी थोड़ा बहुत अगर बचा रहेगा तो उसे मैं ऐसे हाथ की हेल्प से निकाल रही हूँ इस तरीके से पूरा निचोड़ लूँगी और जो पानी बचेगा ना फिर उस पानी को मैं छन्नी से छान लूँगी चाय छन्नी से और उस पानी को छानने के बाद फिर उससे आटे आटा उतने आट, पानी से तो आटा नहीं गूंथ पाएंगे बट फिर भी उसको यूज़ करूँगी उससे क्या होगा हमारा जो आटा रहेगा एकदम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा पराठे नहीं फटते पानी निकल जाए इनमें से तो और स्टफिंग बेसिकली फैलती नहीं है स्टफिंग इक्वली सब जगह बन जाती है फैलती नहीं है पराठा अच्छा बनता है हमारा तो बस ये सारी स्टफिंग के लिए गोभी ये रहा पानी इसमें मैंने वन टीस्पून नमक ऐड किया है गोभी के पानी में और भी पानी लगेगा अब इसमें मैं दो कप आटा ऐड करूँगी पहले आटा लगा लेते हैं ताकि आटे को रेस्ट होने के लिए टाइम मिल जाए फिर फिलिंग तैयार करेंगे इस साइज़ की मेरी कटोरी है स्टील की आप कब समझ सकते हैं दो कप आटा ऐड करूँगी नमक तो पहले ऐड किया है अब ये एक ग्लास वाटर ले लिया है थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके आटा लगा लेना है एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है हार्ड आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है कोई भी स्टफिंग वाला पराठा हो आटा एकदम सॉफ्ट लगाएं ताकि मतलब वो प्रॉपर हमारा पराठा फूल सके अच्छा बन सके बाकी उसे क्रिस्पी करना है या सॉफ्ट सेकना है वो तो हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है जी जैसा आपको पसंद हो वैसा खा सकते हैं चलिए अब आ गई स्टफिंग की बारी ये देखिए गोभी को ना मैंने क्या किया था उसके बाद भी थोड़ा सा धूप में ही रखा था विंडो से धूप आ रही थी तो ताकि मन में रहता ना कि बिगड़ ना जाए हम कोई चीज़ बना रहे तो जो प्याज हरी मिर्ची और लहसुन कद्दूकस करके रखा था वो सब स्टफिंग में मिक्स कर लूँगी अच्छे से जो फ्रेश धनिया था वो भी मिक्स कर लूँगी हाँ हाँ जी और धनिया को ना कट करने के बाद मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था इसलिए थोड़ा सा पानी ना रह जाए दिख रही थी चेक कर लिया अब फिर अब धनिया मिलाना है क्योंकि धनिया में कितना ही हम सोचें थोड़ी बहुत मिट्टी मार्केट से आई जाती है तो उसको अच्छे से प्रॉपर वॉश करना बहुत ज़रूरी है हल्का सा भी अगर धूल मिट्टी रह गई तो हमारे सारे पराठे बिगड़ जाने टेस्ट सारा मसालों का ख़राब हो जाना है धनिया को प्याज को सबको इक्वली मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है देन मैं इसमें ऐड करूँगी तीखी लाल मिर्चें ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ टी स्पून से हल्के से ज़्यादा ऐड कर रही हूँ और वन टी स्पून नमक ऐड करूँगी इसके बाद मैं इसमें और हल्का सा जीरा मसाला मतलब जीरा पाउडर जो रोस्टेड जीरा पाउडर होता है वो भी ऐड कर दिया है अब इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ बस प्रॉपर जब इक्वली मिक्स हो जाएगा तो हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी हाँ जी तो हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार है आप देख सकते हैं अब आ गई है पराठों की बारी गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल रॉक और मैं बनाने जा रही हूँ आज गोभी के पराठे उसके बाद ये जाएंगे ऑफिस ब्रेकफास्ट करके और आज लंच में कुछ और नहीं बनेगा क्यूँकी जिस दिन हमारे यहाँ कोई भी फिलिंग वाले पराठे बनते हैं तो मोस्टली हम फिलिंग वाले पराठे खाते हैं उस दिन हम लोग लंच एक्स्ट्रा कुछ और नहीं बनाते हैं उसके बाद जरूरत पड़ती है <laughs> उस दिन मतलब वही पराठे साथ में लंच में लेकर जाएंगे लंच में भी हम लोग वही खाएंगे जो बनेगा दूसरा कुछ वो शाम को बनेगा और देखते हैं सैटरडे है अगर हो पाया तो आज नाइट में चिप्स वगैरह बना लूंगी तो वो भी शेयर करूंगी आपसे चिप्स बनाते हैं पापड़ बनाते हैं वो डिपेंड करता है थकान के ऊपर और ये है आटे की पीढ़ी चलिए आपको दिखा देती हूँ रेसिपी हाँ जी तो आटे की राउंड एक पेड़ी ले ली बस जिस तरीके से हल्का सा बेलना रहता है हलक, हल्का हल्के हाथों से बेलना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है आप चाहें तो हाथ में उसका बॉल बना के उसमें भी फिलिंग करके बना सकते हैं बट मैं मोस्टली फ्लावर बना के बनाती हूँ उससे भी अच्छा बनता है इससे भी अच्छा बनता है दोनों ही सेम चीज़ ऐसा कुछ है नहीं बस अब मैंने इस साइज़ की बेल ली है अब इसमें मैं फिलिंग ऐड करूँगी और थोड़ी सी मतलब ज़्यादा ही ऐड करें कोशिश करें ताकि अभी तो इसको ऊपर खींच के छोटे छोटे साइज़ के बनाना है तो ये तो खींचने में बहुत सारा आटा निकल जाएगा जब भरा हुआ रहता है ना स्टफिंग वाला पराठा तभी मज़ा आता है ये देखिए चारों तरफ से इस तरीके से ले लिया फ्लावर बना लिया अब इस फ्लावर को जोड़ लिया अब जोड़ते हुए इसे ऊपर खींचना है हल्के हाथों से और ऊपर खींचे खींच के इसको सील कर देना है ये देखिए देन अभी इसे हम सील कर देंगे अच्छे से और इक्वली प्रेस करते हुए ताकि जो स्टफिंग है सब तरफ पहुँच जाए हल्का सा आटा लगाते हुए अब पराठा बेल लेना है हल्के हाथों से ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है मतलब अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो हमारा सारा पराठा फट जाएगा क्योंकि गोभी के पराठे बहुत सॉफ़्ट होते हैं बड़ा प्यार से बड़े हल्के हाथों से बेलना होता है बस इस तरीके से बेल लेंगे मैं छोटे छोटे ही बना रही हूँ आप चाहें तो बड़े बड़े भी बना सकते हैं तवे पर रख दिया था एक तरफ से सीख गया जैसे ही तो टर्न करके इसमें मैं ऑयल लगा रही हूँ आप चाहे तो घी से भी रोस्ट कर सकते हैं पराठे को सॉरी वो स्वीट चले गए थे ना नहाने के लिए तो फिर वो एक हाथ से हो नहीं पा रहा था मुझसे दूसरे तरफ से भी इसी तरीके से क्योंकि एक हाथ में कैमरा एक तरफ से बना रही हूँ दूसरे तरफ से भी ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे इसे सॉरी सेक लेंगे इसे ऑयल लगाते हुए अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ देवी मेरे बाजू में बैठा है बिल्कुल शांत नहीं रह रहा है तो आपको हो सकता है आवाज़ें आए और आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा बर्तनों की भी आवाज़ आई होगी तो वो मेड ना जह, जहाँ पे सिंक लगा हुआ है मतलब वॉश बेसिन लगा हुआ है उसके पास ही उसको हम लोग बर्तन धोने के लिए बोलते हैं क्योंकि किचन बहुत छोटा है तो वो बर्तन कर रही थी इस कारण शोर हो रहा था और मुझे क्लिप बनानी भी ज़रूरी थी और वो कंफर्ट नहीं है तो कैमरे के सामने नहीं आती पीछे से कभी दिखा दूंगी सामने से अभी नहीं दिखाऊंगी जिस दिन वो कंफर्ट हो जाएगी कैमरे के सामने आने में तब आपको मेड से मिलवाएंगे अभी तो फिलहाल बर्तन ही करवा रहे हैं झाड़ू पोछा मैं खुद ही कर रही हूँ कुछ दिन करवाया था बट ठीक है अभी बर्तन ही करवा रहे हैं ये रहा बटर दही और ये रहे पराठे एक और बना लेती हूँ क्योंकि टाइम लगता है ना बनने में फिर इन लोगों को दूंगी दोनों साथ में ही बैठेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम लगेगा तो कम से कम दो प्लेट में चले जाएंगे गर्मा गर्म तो जब तक इनके दो फिनिश होंगे तो तब तक मैं एक और लेकर चले जाऊंगी इसे भी सेम प्रोसेस है वैसे ऑयल लगा के दोनों तरफ से टर्न करके सेक लेना है आप जितना क्रिस्पी करना चाहें उतना ज़्यादा देर सेकिए गैस मीडियम फ्लेम पर ही है मेरा हाई फ्लेम पर नहीं रखा है नहीं तो बहुत जल्दी जलने लगेंगे ना तवा वैसे ही गर्म हो चुका था तो गैस मीडियम फ्लेम पर कर दिया है इधर से भी टर्न करके उस तरीके से ही सेक लूँगी और गोभी के पराठों के तो क्या कहने आज तो खाना बनना ही नहीं है लंच नहीं बनेगा बेसिकली हम लोग यही खाएंगे दोपहर में भी हमारे यहाँ कोई भी स्टफिंग पराठे बने तो फिर दोपहर में हम लोग वही खा लेते हैं इस तरफ से भी सेक लेती हूँ चारों तरफ से प्रेस करके और अब इन लोगों से वेट हो नहीं रहा होगा क्योंकि आज थोड़ा सा लेट भी हो गया और सीटों को ऑफिस के लिए भी निकलना है तो टाइम नहीं होना चाहिए उन लोगों को अब मैं प्लेट दे आती हूँ नाश्ते के लिए सीख चुका है दूसरे तरफ से भी सीख चुका है बस अब इसे निकाल लेते हैं आज के ब्लॉग में ना ज़्यादा कुछ मतलब बात नहीं हो पाई है आप लोगों से हाँ जी तो ये रहा मेरा प्यारा सा गोल मटोल देव देव से भी मिल लीजिए आप लोग पीछे रखा हमारा फिश पॉट फिश जार रखा है सीटो देव के ड्राइंग में हेल्प कर रहे हैं बस अब इन लोगों को बोलती हूँ फटाफट ब्रेकफास्ट करें ताकि मैं गर्मा गर्म बनाऊँ फिर ठंडे हो जाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा ना चलिए अब इन लोगों को ब्रेकफास्ट दे रही हूँ यहाँ पर देव की ना फोटो गिली हो गई थी तो वही सूख रही है हटा लेती हूँ बड़ी प्यारी सी लगती है मुझे उसकी नर्सरी की पिक है उसकी जब वो कवर्धा में गुरुकुल स्कूल में पढ़ता था अब स्वीटो आप लोगों से बात करेंगे ये आ गए हमारे पराठे तो इसको इंतजार कराना बिल्कुल जघन्य अपराध है वो हम नहीं करते हैं आज मेरी बेटी हाँ। लो, तो देव ड्रॉइंग कर रहा है टाइम पास कर रहा है तो फिर पहले पराठे खा ले किसी भी प्रकार की देरी नहीं करते हैं और सीधा पराठे खाते हैं हाँ सोचा था आप जितना बोल रहे हो आप जितना बोल रहे हो ना उससे डबल से, hey. से ज्यादा तो अभी फिलहाल मैं लॉकडाउन के बाद माइनस में आया हूँ मक्खन लगाते हुए पराठों पे स्वीटुकू कर रहे अपने फ्रेंड से बात उनके बहुत अच्छे फ्रेंड है बहुत दिनों बाद उनका कॉल आया तो बस उन्हीं से बात कर रहे थे वही बात चल रही है कि लॉकडाउन के बाद पैसों से कितना माइनस में मा आया जो प्राइवेट इंसान जॉब करता है खुद का बहुत ज़्यादा लगाना पड़ गया सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई मेन बात वही है हाँ जी तो ये रही हमारी मेट इनका फेस नहीं दिखा सकती मैं इसलिए पीछे से जा रही थी तो दिखा दिया आपको आएंगी थोड़ी देर बाद ये नाश्ता करने बुलाया था मैंने देन उसके बाद मैं आ गई हूँ आमरस बनाने के लिए रात के लिए बना के रख रही हूँ ताकि ठंडा हो जाएगा फ्रिज में ठंडा ही अच्छा लगता है आमरस तो इस साल का सीजन का पहला आमरस दो इस साइज़ के मैंगो ले लिए हैं मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया और इनको लाने लाने के बाद ना पहले नमक के पानी में भी ऐड किया था और फिर जो हम लोग वेजी केमिकल यूज़ करते हैं जो सब्जियों के लिए आता है केमिकल नहीं सब्जियों को क्लीन करने के लिए जो आता है उससे भी इनको अच्छे से क्लीन कर लिया था अब उसके बाद इनको अच्छे से वॉश करके ये तो आए तो कल ही थे बना आज रही हूँ छिलके निकाल लूँगी उसके बाद कट कर लूँगी देन इन्हें ग्राइंड करूँगी हर किसी का घर में आमरस बनेगा ही बनेगा अब तो गर्मियाँ आ गई गर्मियों की तो बहुत खास चीज़ें बिना आमरस के तो काम होता ही नहीं है जी बट आज मैं हम लोग आमरस ना मोस्टली पूड़ी सेवई या परौठों के साथ खाते हैं आज परौठे नहीं बनेंगे आज आमरस हम खाएंगे पापड़ के साथ ये आम कट कर लिए हैं यहाँ पे मैंने डेढ़ कप दूध लिया है और चीनी ले ली है चीनी ली है मैंने इस कटोरी से एक कटोरी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा मीठा पसंद करते हो ले सकते हैं दूध में बस मैं एक बार में आधे ऐड कर दूंगी और आधी चीनी ऐड कर दूंगी देन इसे मैं ग्राइंड कर लूंगी सेकेंड बार में भी ऐसे ही करूंगी दो पार्ट में मेरा रस तैयार हो जाएगा तो मैंने सोचा आज आपसे रस की रेसिपी भी शेयर कर दें हालांकि तो भी सभी को आती होगी शेयर करने वाली कोई बात नहीं बट कहते हैं ना एक व्लॉगर की लाइफ जो होती है थोड़ा स्लो हो जाती है स्लो इसलिए होती क्योंकि डेली जो हो रहा है वो आपको दिखाना होता है डेली व्लॉगिंग का मतलब ही ये है देखिए चीनी भी ऐड कर दी है आम भी ऐड कर दिया है इतनी चीनी बचा ली है इतने आम बचा लिए हैं सेकेंड पार्ट में इनको ग्राइंड करूँगी कुछ लोग पानी ऐड करके भी बनाते हैं आप चाहें तो पूरा पानी ऐड करके भी बना सकते हैं बट हमारे यहाँ हम लोग इसी टाइप का बनाते हैं ऐसे ही आमरस पसंद करते हैं और हाँ मायके में ना मम्मी जी जब आमरस बनाती है तो मैं हल्का सा बिल्कुल बहुत कम एकदम चुटकी भर नमक ऐड कर देती हैं उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है मतलब सेवैयों के साथ खाओ ना जब उसे तो बड़ा अच्छा लगता है मैं बाकी स्टेट का तो नहीं बोल सकती जिन स्टेट से मेरा पाला पड़ा है वहीं का बोल सकती हूँ तो एम में महाराष्ट्र में रस से भी बहुत पसंद की जाती है और पंजाब में रस पापड़ रस पराठे रस पूड़ी बहुत पसंद किए जाते हैं ये देखिए हमारा आमरस भी तैयार हो गया आपसे बातें करते करते एडिटिंग तो बाद में कर रही हूँ बट एडिटिंग करते करते जो बातें आई वो करते करते आमरस तैयार हो गया रेसिपी भी, भी शेयर कर दी और ये है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लिक्विड ही लिक्विड सा नहीं है बट बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है मतलब इतना डेंस भी नहीं है कि ऐसा लगे कि हम नहीं खा पा रहे हैं इसको आप पापड़ों के साथ गेहूँ चावल के पापड़ हो कुरोडी हो या रस के साथ सॉरी रस तो है ही ये खुद सेवैयों के साथ मेरे पास ना सेवैयाँ ख़त्म हो गई मम्मी जी घर में बना के सेवई देती हैं आटों वाली वो ख़त्म हो गई है तो आज तो सिर्फ मैं पापड़ के साथ ही खाएंगे ये रहा हमारा आम रस इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने नाइट में खाएंगे तो नाइट की बस मैंने प्लेट के लिए पैड किए साथ में मैंने छोले चावल भी बनाए थे बट वो ऐड नहीं किए हैं ये रहा है मम्मी जी के हाथ के पापड़ मम्मी जी बहुत ही यम पापड़ बनाती मम्मी जी के हाथ के पापड़ तो वर्ल्ड के बेस्टेस्ट पापड़ हो हाँ जी तो गर्मियाँ आ गई है आम रस पापड़ के लिए और मेरे गोभी के पराठों के लिए और हमारे लिए प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ जय माता दी रब राखा ओम नारायण जय श्री राम लव यू ऑल टेक केयर बाय